बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज रात से बुध 12 अप्रैल और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा। अप्रैल के बकिया दिनों के दौरान गर्मी की रिकॉर्ड तोड़ लहरों और खुश्क मौसम के बाद तूफ़ानी बारिशों के नए सिलसिलों की बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए अपने मेरे बने वर्ष चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक आज रात से बुध 12 अप्रैल और आने वाले मज़ीद 4 से 5 रोज़ के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। सुबह सिंध के सिर्फ चंद एक इलाकों में बादल आने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। मतलब नोट फरमा लें कि आने वाले 4 से 5 रोज़ के दौरान बलोचिस्तान, पंजाब, सिंध समेत मुल्क के बेशतर इलाकों को गर्मी की पहली शदीद लहर मुतासर करेगी। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों के दर्ज हरारत 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को। शहरियों और किसान भाइयों को अपडेट करता चलूँ कि 16, 17 अप्रैल से 21 अप्रैल के दौरान ईद उल फितर से पहले नए ताकतवर मगरबी सिलसिलों के बायस कश्मीर के बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल आने और गरज चमक तेज हवाओं आंधियों के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर तूफानी बारिशों और ओले पड़ने की तवक्को, जिसकी वजह से ईद उल फितर के मौका पर मौसम कदर ठंडा होगा। इसके बाद 4 से 5 रोज मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने के बाद अप्रैल के आखिरी दिनों के दौरान एक मरतबा फिर से मुल्क के ज्यादातर इलाकों में गरज चमक और आंधियों के साथ मजीद तूफानी बारिशों के इम्कान हैं। इसलिए किसान भाई जल्द से जल्द कटाई और गहाई का अमल मुकम्मल कर लें।